हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अनीता जी ने शुरू किया एक एनजीओ जो कि गरीब और बीमार बच्चों का इलाज करवाएगा, और वो हर शहर में अपने इस एनजीओ की एक एक ब्रांच खोलना चाहती, पर ये नहीं चाहती कि इनका एनजीओ कोई लालची इंसान हैंडल करे। एग्जैक्टली, इसलिए हमने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया, जो इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा वो अपने शहर में मेरे एनजीओ को हैंडल करेगा। ये एक साइकिलिंग कॉम्पिटिशन है, और जो साइकिल को 24 घंटे तक लगातार चला पाएगा वो इस कॉम्पिटिशन का विनर होगा, और जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। 5 लाख? 5 लाख रुपए? जिससे कि वो अपने शहर में एक एनजीओ शुरू कर सकता है। प्लीज तारीख नोट कीजिए, ये कॉम्पिटिशन लखनऊ में 20 मार्च, कानपुर में 22 मार्च, इलाहाबाद में 26 मार्च, बनारस में 28 मार्च और बांदा में 30 मार्च को होगा। थैंक यू सो मच। अरे मतलब इलाहाबाद में तो ये प्रतियोगिता 26 मार्च को होगी, शर्मा जी के हैप्पी बर्थडे वाले दिन। और उसी दिन मेरी फेवरेट हीरोइन अनीता भी होगी। वेरी गुड भाई, मैंने तो सोच लिया, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और 5 लाख रुपए का इनाम भी मैं ही जीतूंगा। डैड क्यों नहीं कर सकते मॉम? 5 लाख रुपए मिलेंगे और डैड इससे अपना एनजीओ भी तो शुरू कर सकते हैं। नहीं रवि, लेकिन 24 घंटे साइकिल चलाने से पापा की हेल्थ पे भी तो असर पड़ सकता है ना। यू आर राइट हेमा। राइट नहीं मॉम, राइट। हाँ वही वही। लेकिन सोचो ना, अगर मेरी फेवरेट हीरोइन हमारी कॉलोनी में आएगी और मेरे साथ सेल्फी खिंचाएगी तो कितना मजा आ जाएगा। लेकिन अगर शर्मा जी भाग ही नहीं लेंगे तो कैसे होगा? डैड की मॉम, हम सब मिलकर पार्ट लेंगे। कॉन्टेस्ट के हिसाब से कोई इंसान या टीम पार्ट ले सकती है, तो हम सब मिलकर पार्ट लेंगे और डैड को उनके बर्थडे पे गिफ्ट देंगे। हाँ, वो नंबर क्या? जी गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ। अनीता जी का ऑफिस है। हाँ जी बोलिए। क्या गोपाल शर्मा एंड फैमिली की तरफ से आपको एप्लीकेशन आया है साइकिल मैराथन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए? अरे नहीं नहीं, कोई गलत फहमी। अगले बुधवार को अनीता जी, अगले बुधवार को आएंगी हमारा कॉम्पिटिशन देखने के लिए? नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, जरूर कोई गलत। अगले बुधवार को ये साधना ने अच्छा नहीं किया। साधना ने मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम दे दिया कॉम्पिटिशन में, साइकिल चलाने के कॉम्पिटिशन में। साधना, क्या ये मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम तुमने कॉन्टेस्ट में दे दिया? शर्मा जी, मुझे सब पता है, और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप कोई अकेले थोड़ी पार्ट लेने वाले हैं, हम सब पूरी फैमिली एज अ टीम पार्ट लेंगे। अरे लेकिन एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। अरे पूछना क्या है, कमाल करते हैं आप, एक पार्टी तो लेना है। गोपाल गोपाल, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वालों को वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर शर्मा एंड फैमिली, मिस्टर सक्सेना एंड फैमिली, तो आप लोग रेडी हो? चलिए मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के रूल समझा देती हूँ। जब तक इस साइकिल के पैडल चलते रहेंगे तब तक ये बल्ब जलता रहे, और इस बल्ब के बुझते ही वो कॉन्टेस्टेंट डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर इस कॉन्टेस्ट में एक ही टीम रह जाती है तो उसे 24 घंटे तक लगातार इस साइकिल को चलाना पड़ेगा, और अगर दोनों टीम्स रहती हैं तो उन्हें मिनिमम 20 घंटों तक इस साइकिल को चलानी है। जो 20 घंटों से कम तक साइकिल चलाएगा वो इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं। इस कॉन्टेस्ट का फैसला होगा, विनर कौन है वो डिसाइड होगा कल सुबह 10 बजे। तो आर यू गाइस रेडी? ऑल द बेस्ट। चलिए आइए शर्मा जी, सक्सेना जी, कम ऑन। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट। क्या हो गया? मैं चलाती हूँ। गोपाल, बाल गोपाल, अगर कहीं ये बल्ब बुझ गया तो? गोपाल, जब तक मैं हूँ तब तक ये बल्ब नहीं बुझेगा। ये लो गोपाल।
ये क्या है बाल गोपाल? गोपाल ये चावल का दाना है, इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। पर बाल गोपाल ये तो गलत है। गोपाल कुछ भी गलत नहीं है। गोपाल तुमने जीतना होगा ताकि गरीब बच्चों का भला हो सके। और रही बात गलत की, तो सक्सेना ने भी तो गलत किया है। उन लोगों ने ऐसी दवाई खा के रखी है जिससे कि वो लोग ज्यादा देर तक साइकिल चला सके। Come on, सक्सेना जी। अरे माँ। ओहो। सक्सेना जी तो गए। शर्मा जी, आप इस कंपटीशन को जीत चुके हैं। आप मेरे एनजीओ के इलाहाबाद के ब्रांच हेड हैं। आपको मिलते हैं 5 लाख रुपीस मेरे एनजीओ को सेटअप करने के लिए। कैसे लगा आपको अपने जन्मदिन का तोहफा? इससे अच्छा तोहफा मुझे मेरे जन्मदिन पे कभी नहीं मिला। आई थिंक हम सबको मिलकर शर्मा जी को विश करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे।